अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मजे की और टेस्टी सी एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं हमने किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल का हॉट एंड सोर सूप। वो किस तरह से बनाना है आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ भी मैंने ली है एक अदद तेज की, और तेज की भी मैंने लिया है 8 ग्लास के करीब पानी जी। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने एक अदद लिया है सब्ज़ प्याज, उसको मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं चिकन। चिकन यहाँ मैंने लिया है वो है बोन वाला। अगर आप बोन वाला चिकन लेंगे, उसकी यखनी तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप इसमें बोनलेस चिकन भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस टाइम बोन वाला लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि चिकन के अंदर थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। अब हम इसके अंदर ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक ऐड करने के बाद, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए पकाएंगे जब तक के लिए जो पानी 8 ग्लास से वो 4 से 5 ग्लास ना रह जाए। मिलते हैं 15 मिनट बाद। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम चिकन को और बकाया जो हमने इसमें चीज़ें डाली थी उनको अलग कर लेंगे। अच्छा से चिकन को और जो सब्ज़ प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया था, मैंने उनको निकाल के अलग अलग कर दिया है। अब चिकन को जो है हम लोग शैटर्ड कर देंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, यखनी को हमने रख दिया दोबारा चूल्हे पर। यखनी जो है मेरी इसलिए डार्क कलर में हो गई है क्योंकि आप वीडियो के चक्रों में मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बाकी सब ओके है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ गाजर। ये गई गाजरें भी इसके अंदर, ताकि साथ ही साथ हमारी गाजरें भी हो जाएँ। अच्छा जी, गाजर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बंद गोभी। बंद गोभी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिया। अब ये गया है इसके अंदर, और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक। अच्छा जी, नमक मैंने इसके अंदर कर दिया है ऐड, हाफ से भी थोड़ा चम्मच, ठीक है। इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ऐड कर चुकी हूँ वीडियो के चक्रों में, तो आपने कर देना है ऐड, मैं नहीं कर रही, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चिकन मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है ताकि चिकन में अगर कोई कसर है तो वो अच्छे से दोबारा गल जाए, और तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हमारी गाजरों को कुक होने में। अच्छा जी, मीडियम आंच पे मैंने इसको पकाया है 5 मिनट के लिए, और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 1/4 ऐड कर दूँगी। गाजरें हम इतनी ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी सी कच्ची कच्ची जो है इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सीन ये है कि मैंने लिया है 1.5 चम्मच के करीब, आप ले लें या 1 चम्मच के करीब ले लें, मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। उसके अंदर मैं पानी मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स किया तो मेरे पास ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं इसको सूप के अंदर ऐड कर दूंगी। सूप के अंदर ऐड करती जाऊंगी और चम्मच हिलाती जाऊंगी। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको एक बार मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस। 1 चम्मच के करीब इसके अंदर गया सोया सॉस, फिर 1 चम्मच के करीब इसके अंदर गया विनीगर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनीगर अच्छे से डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी है शंग्रीला के चिली सॉस की। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब बारी है शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च मैं लास्ट पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये कुक हो जाती है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। शिमला मैंने डाल दी है, उसको जैसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ मैंने लिया है 3 अदद के करीब अंडे, और उसमें से मैंने सफ़ेदी को अलग कर लिया है, जर्दी इसी में है। अच्छा जी, शिमला मिर्च हमारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अंडों की सफ़ेदी लेंगे हम। 3 अदद अंडों की सफ़ेदी है, इसको ऐसा ऐसा करके डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। ये हम सफ़ेदी थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है सूप तो आप इसमें और कौन सा ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा थिक नहीं पसंद इसलिए मैं इतना ही ऐड करूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको पूरे एक मिनट के लिए पकाने वाली हूँ, वो भी हाई फ्लेम पे। जी एक मिनट हो चुका है हाई फ्लेम पर, मैंने इसको छोड़ दिया था। इसको बॉयल होना शुरू हो गया है, इसका मतलब कि हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे 7 प्लेट्स में। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये थी मेरी रेसिपी मुकम्मल चिकन हॉट एंड सॉर सूप की। और एक बाउल में मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस, एक में मैंने ली है 3 अदद के करीब ग्रीन चिलीज, उनको मैंने काट लिया है और साथ विनीगर ऐड कर दिया है। और एक बाउल में मेरे पास मौजूद है चिली सॉस। आप इन 3 सॉस के साथ सूप को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे फूडी। अल्लाह हाफिज़।